हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और इंडिया जॉब 0.2 के YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, कल से आपने बहुत सारे YouTube के ऊपर वीडियो देखे होंगे, भाई आप अभी आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, पर आपको एडमिट कार्ड से रिलेटेड अपडेट दे रहे हैं, पर आपको वो चीज नहीं बता रहे जो आपके काम की चीज है। अब काम की चीज क्या है सर, वो बता दो आप। तो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, कौन सा पुलिस वेरिफिकेशन माने होगा, ऑफलाइन वाला होगा कि ऑनलाइन वाला होगा, क्या पुलिस वेरिफिकेशन ले जाना जरूरी है, जाति प्रमाण पत्र कौन सा चाहिए, ये सब कुछ आपका भाई आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी उपलब्ध कराने वाला है। तो जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे दोस्त, यदि आप ऑल इंडिया जॉब 0.2 यूट्यूब चैनल के ऊपर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं और यदि आप चाहते हो कि हमें भी कहीं ना कहीं जॉब मिले, तो आपका भाई आपके साथ काम करता है और आपके साथ मिलकर ही हम तैयारी करते हैं। दोस्तों ये नहीं है कि मैं अकेला तैयारी करता हूँ या फिर आपको अकेले को तैयारी कराता हूँ, नहीं दोस्त, वो बात है कि संगठन में सकते थे उसी संगठन के तहत हम चलते हैं और संगठन एक हम संगठन एक ग्रुप बनाकर चलते हैं। तो यदि ग्रुप में हमें जुड़ना है तो ग्रुप का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहेगा, टेलीग्राम का लिंक दे रहेगा और यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं कुछ आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों बात यहाँ पर आती है दोस्तों की आपको कई कंटेंट बोलेंगे सर अभी हमें ये बताओ डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, बिल्कुल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। फायरमैन से भरो चाहे ट्रेड्समैन से भरो, आपको सबसे पहला डॉक्यूमेंट चाहिए आपका फॉर्म का प्रिंट। आपका फॉर्म का प्रिंट आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास फॉर्म का प्रिंट नहीं है तो आप भाई यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी में आ सकते हो। तो आपके पास पहले तो आपका फॉर्म का प्रिंट होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ठीक है। अब दूसरी बात आती है, यदि आपके पास फॉर्म का प्रिंट है कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद में यदि आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, भगवान मेरे सबका एडमिट कार्ड है, मैं तो ये चाहता हूँ 50% वालों का भी एडमिट कार्ड है, 40% वालों का भी एडमिट कार्ड है, बाकी देखो शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं उनका एडमिट कार्ड आएगा या सालों का आएगा वो नहीं बोल सकते, पर एओसी की वेबसाइट पर ये चल रहा है कि आपका शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट वहां पर किए गए। फिर मैं बता दूंगा आपको किस तरीके से क्या होगा, कितने परसेंटेज वाला होगा। सुबह मैंने वीडियो डाला जिसके अंदर बोला गया भाई 93% वाला है मेरे पास फॉर्म भरा हुआ है, 83 वाला है भरा हुआ, 50% वाला है भरा हुआ है। तो एडमिट कार्ड किसका आएंगे, कितने परसेंटेज वाला होगा, जब भी जारी होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। दोस्तों अब बात आती है डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आपका यहाँ पर हाइट टेस्ट, वेट और दौड़ होने वाली, ये चीज आप सबको बताएं। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपके पास 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट क्या होनी चाहिए, 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट के साथ साथ मैं आपको बता दूं, 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट के साथ साथ एक चीज स्पेशल ध्यान रखना, आपको यहाँ पर जो कई कैंडिडेट जो पहले ही कैंडिडेट मतलब पहले जो उन्होंने भाई 2017 2015 13 14 या 12 या फिर आपके जो कैंडिडेट जिनको छूट दी गई है उन्हें क्या होता है मार्कशीट अलग आती थी और प्रमाण पत्र अलग आता था, तो उनको अलग अलग है तो वो दोनों लेकर जाते, यदि आप दोनों का अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखना दोस्तों। बात करूं यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट, इसके अलावा फायरमैन से भरो तो 12वीं मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, दोनों आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास मूल निवास जिसको मतलब डोमिसाइल प्रमाण पत्र जो आपने डिटेल भरी है उसका आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए जो आपकी सेम नेम होना चाहिए, जो फादर्स नेम आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका पता होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। दोस्तों ये चीज स्पेशली ध्यान रखना, ये चीज आपको पता चलेगी। इसके बाद में आता है आपका यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र जिसको हम बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, सेंटर का आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्टेट का जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर मान्य नहीं होगा, स्पेशली मैं बता रहा हूँ। और स्पेशली बता दूं तो कब का जारी हुआ होना चाहिए, वो जारी हुआ होना चाहिए आपका जो नोटिफिकेशन है उससे पहले का, जहां तक मेरा अनुमान है जिस सेंटर की बढ़ते देखता हूँ सबको पता है यहाँ सेंटर का जाति प्रमाण पत्र कैसे बनता है क्या होता है सब कुछ आपको पता है। फिर मैं एक बार फिर बता रहा हूँ जो इंग्लिश वाला जाति प्रमाण पत्र होता है उसको बोलते हैं सेंटर का जाति प्रमाण पत्र, तो वो आपके पास होना चाहिए। बात आती है इसके अलावा इसके पास आप डोमिसाइल और आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड 10वीं 12वीं मार्कशीट, इसके अलावा आपके पास कम से कम 10 फोटो होनी चाहिए। अब बात आती है पुलिस वेरिफिकेशन की, देखो दोस्तों अभी तक कहीं आपका यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा गया कि पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए या वो जरूरी है, पर मैं बताऊँ आपको तो पुलिस वेरिफिकेशन इंडियन आर्मी की जो भर्ती में पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत होती है, तो उसी तरीके से मेरे को लगता है ऑफलाइन आपको पुलिस वेरिफिकेशन का भी आपको जरूरत पड़ेगा। मैं बता दूंगा किस तरीके से, यदि आपको पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा किस तरीके से आपको बनाना है क्या कुछ करना, वो सब कुछ आपको भाई आपको बता देगा, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है 1%। बात करता हूँ यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन के अलावा मेडिकल, मेडिकल की डिटेल मांगूंगा डॉक्यूमेंट से, यदि आप पास हो गए तो वहाँ पर आपको मेडिकल स्कोर के लिए बोला जाएगा। मेडिकल आपको सिविल हॉस्पिटल से करवाना है, किस तरीके से मेडिकल करवाना है क्या कुछ करवाना है वो सब कुछ आपका भाई आपको हर एक वीडियो के माध्यम से अपडेट देता रहेगा, ये आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तो आपको 10वीं 12वीं आईडी वोटर आईडी आधार कार्ड पैन कार्ड जो आपके पास होगी, जाति प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल प्रमाण पत्र, इसके अलावा फॉर्म का प्रिंट, मोबाइल याद रखना मोबाइल नंबर वही आपके पास होना चाहिए जो आधार कार्ड में आपसे जुड़े हैं, आधार कार्ड या मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं, पुलिस वेरिफिकेशन आपको चाहिए तो बता दूंगा मैं कोई दिक्कत नहीं, आपके पास एक पेन होना चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल, इन सबकी 5-5 फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ये ध्यान रखना सबकी आपके पास 5-5 फोटो कॉपी होनी चाहिए ताकि आपको आगे वहां पर कोई दिक्कत ना हो। इंडियन आर्मी की रैली भर्ती में भाई धड़ाधड़ होता है
दिल से बचने के लिए आपको ये सब तो करना ही होगा। बाकी देखो एओसी से रिलेटेड हर एक अपडेट, हर एक जानकारी, हर एक न्यूज आपको भाई आपके लिए शेयर करता रहेगा। तभी तो बोलता ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ये किस लिए बोला मैंने, बोला दोस्तों जो कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं उनको बोला चाहता हूँ, एओसी की भर्ती का फॉर्म किसने भरा जिसका कहीं ना कहीं सपना था इंडियन आर्मी में जाने का, जिसका कहीं ना कहीं सपना था इंडियन आर्मी की वर्दी पहनने का, जिसका कहीं ना कहीं सपना था कि मैं इंडियन आर्मी में जाके वो करूंगा, देश की सेवा करूंगा। तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वो गोल्डन न्यूज आपके सामने आ चुकी है। वही इंडियन आर्मी में नौकरी करोगे, वही सब कुछ करोगे जो एक सामान्य आपका सैनिक करता है, वो 60 साल तक आप नौकरी करोगे दोस्तों। तभी तो बोलता हूँ ना कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, मतलब आप हौसला रखो वो मंजिल भी आएगा, पैसे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, आपके पास चलकर आपकी मंजिल भी आएगी। और जब ये मिलेगी ना तो मिलने का कुछ मजा भी हो रहेगा, मतलब संघर्ष के बाद जीत होती है तो कुछ मजा अलग आता है। अब बिना संघर्ष के जीत आए होगी तो मतलब उसको पता नहीं है संघर्ष क्या चीज होता है। दोस्तों संघर्ष से ली हुई जीत हमेशा कुछ ना कुछ गोल्डन देकर रहती है, बहुत ही अच्छा आपको देखा जाएगी। ये चीज हमेशा याद रखना, जो कैंडिडेट हमेशा संघर्ष करके नौकरी लेता है ना उसके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है, बहुत ही गुड न्यूज है। एओसी की भर्ती आपके सामने, यदि आपका एडमिट कार्ड आ जाता है तो आप इसके लिए 100% आप तैयारी करेंगे। और अच्छा आशा करता हूँ आप तैयारी चल रही होगी। बाकी देखो आगे जो भी कोई अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी एओसी से रिलेटेड होगी, वो आपका भाई आपको पल पल की अपडेट, हर एक अपडेट, हर एक न्यूज आपको सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक जानकारी के साथ आपको उपलब्ध कराता रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निजानगर साहब, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। दोस्तों इंडियन आर्मी के नौजवानों को एक बात बोलना चाहता हूँ, यदि आपने सपना सजवाया इंडियन आर्मी की वर्दी पहनने का तो अपने जवानी बर्बाद करने की हिम्मत रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि अभी एक बात बता दूंगी आपको, हर किसी में फौजी बनने की हिम्मत नहीं होती, और जो फौजी बनने का सपना सोचता है उसको दिल से मैं सल्यूट करता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निजानगर साहब कुछ अच्छा न्यूज लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम दोस्तों।